मटन ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, और ये आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और ये आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये स्वाद अनुसार नमक। चलिए हम, और ये हमने आधा किलो मटन लिया है, आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है। चलिए बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमें मटन ग्रेवी कुकर में बनाएंगे। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, हमने सरसों का तेल डाल दिया और उसे अच्छा गर्म होने देंगे। हमारा सरसों का तेल गर्म हो रहा है, जब तक हम ये 2 तेज़पत्ता ले लेंगे और थोड़ा सा जीरा ले लेंगे, और ये 2 तेज़पत्ता ले लेंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे। हम इसके अंदर खड़ा गरम मसाला नहीं यूज़ करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करेंगे। ऐसे थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। ये हमारा ज़ीरा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये ऑनियन बारीक कटे हुए, मैंने लंबे स्लाइसेस में काटे हैं। हम इसे फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप भी करें, अब इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा और होगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, एकदम डार्क ब्राउन जो होता है वो नहीं करेंगे, हम लाइट ब्राउन करेंगे। और ये हमारे सारे मसाले हैं जो हमने इसे घोल लिया है पानी में। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम ये मटन लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारे मटन इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छे से, और इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप मटन ऐड कर दें और इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसे फ्राई कर लें और इसे अच्छे से कुक कर लें। तो ये आप देख सकते हैं हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब ये मटन का कलर चेंज हो गया है, हम इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये हमने मसाला का घोल बना लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप ऐड कर दें और उसके बाद अच्छी तरह से 2 मिनट भून लें। ऐसे 2 मिनट तक भून लेंगे, आप ढक के भी इसे भून सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारा 2 मिनट हो चुका है, हमारा मसाला थोड़ा सा भून चुका है, और हमारा मटन गले, इसके लिए हम इसमें डालेंगे पानी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ये हमारा मटन है इसमें भी पानी छोड़ देगा। अब इसमें हम सीटी लगा लेंगे, उससे पहले हम ये 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसमें हम सीटी लगा लेंगे, 3 सीटी आने तक इसे हम कुक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सीटी लगा ले, 3 सीटी आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा 3-4 सीटी लग चुका है, इसका प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसे खोल के देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे खोल के देख लिया कितनी अच्छी तरीके से पका है, अब हम इसे भून लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मटन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। चलिए इसे 5-10 मिनट भून लेते हैं, जब तक हमारा अच्छे से ऑयल छोड़ देता। तो
तो आप ये देख सकते हैं मैं इसे भून रही हूँ, 5 मिनट इसे भून लेंगे, हमारा ऑयल छोड़ते तक इसे भून लेंगे। ये हमारे मटन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मटन अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, हरा धनिया पत्ता, ये हमने ऐड कर दिया हरा धनिया पत्ता। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, इसे ढक देंगे, अब इसे हम सॉफ्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मटन ग्रेवी बिल्कुल बनके तैयार है, बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये देखने में जितनी खूबसूरती है उसे खाने में भी उतना ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।